नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पत्नी को फंदे पर झूलता देख पति ने खाया जहर। मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का है, जहां पर राठ कोतवाली क्षेत्र के धनोरी गांव में 27 वर्षीय पूनम ने सुबह अपने कमरे में जाकर गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। ये देखकर उसके 30 वर्षीय पति ने अपना आपा खोते हुए जहरीला पदार्थ खा लिया और जान देने का प्रयास किया है। आनन फानन में परिजनों द्वारा उसे सरकारी अस्पताल राठ में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस ने उसकी पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर किन वजहों से पूनम ने यह आत्मघाती कदम उठाया। मेरा ना कोई इससे विवाद था ना कुछ था, अभी दो एक दिन पहले हम ससुराल से भी आए हंसी खुशी से दोनों लोग, और रामलीला चल रहा हमारे यहाँ गांव में, मेला लगा हुआ, हम लोग रामलीला देखने गए थे और सब इस वजह ने इसके दिल में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, एकदम इसका सारा कैसे ऐसा हाथ कर लिया। ना मेरी कोई इससे लड़ाई ना कोई बुराई। क्या कर लिया? अरे फांसी लगा ली इसने। वजह क्या थी? वजह कुछ वजह नहीं थी, मतलब यही हम लोग अभी कल ससुराल से भी आए दोनों लोग, हंसी खुशी से आए, बढ़िया तरीके से आए, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। कोई झगड़ा हुआ था? ना कोई झगड़ा हुआ हमारा। जब मैं पहले 3-4 साल पहले ड्रिंक करता था तब जरूर झगड़ा होता रहता था। मौके पे ही मौत हो गई? हैं, मौके पे ही मौत हो गई। मैंने 3-4 साल पहले से ड्रिंक भी बंद कर दी, ना कोई दिक्कत ना कोई मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।